नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, अमिताभ बच्चन आजकल इन दिनों अभिषेक बच्चन पर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने ट्विटर पर एक छोटा सा वीडियो डाला है और उसमें दोस्तों अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन को साथ साथ दिखाया गया है। इस वीडियो में शायद अभिषेक बच्चन को जब अवार्ड दिया गया था, एक उसके कुछ दृश्य है। इसके अलावा सरकार फिल्म में अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन साथ नजर आए थे, वहां के दृश्य है, काफी जबरदस्त दृश्य है। इसके अलावा अभिषेक बच्चन की टीम ने अभी पिंक पैंथर, जयपुर पिंक पैंथर ने जो अभी मैच जीता था, कबड्डी का फाइनल जीता था, उसके कुछ दृश्य है जहाँ पे अभिषेक बच्चन चीयर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो और उनकी उनको एक बेस्ट क्लब का अवार्ड भी दिया गया है अभी। तो इन सब को मिलाकर के अमिताभ बच्चन ने एक वीडियो शेयर किया अपने ट्विटर अकाउंट पर और काफी अच्छा वीडियो है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। साथ ही उन्होंने क्या लिखा है वो भी आप सुन लीजिए। उन्होंने लिखा है, माई प्राइड अभिषेक, प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट्स, साइलेंटली विदाउट एनी नॉइज टू मेक द लाउडेस्ट नॉइज। इस तरह से उन्होंने लिखा है और उसके बाद में ये वीडियो टीजर जारी किया है। तो डेफिनेटली अभिषेक बच्चन को दस्यू फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर OTT अवार्ड भी मिला है और उनकी कई अच्छी फिल्में अभी आगे आने वाली है। घूमर है, SSS 7 है, इसके अलावा बुलामे भी उनका केमियो है और भी कई फिल्मों की बातचीत चल रही है। तो देखते हैं अभिषेक बच्चन आगे किस प्रकार से और अपनी एक्टिंग से, अपने अभिनय से, अपने परफॉर्मेंस से, अपने कार्यों से अपने पिता अमिताभ बच्चन का दिल जीतते, साथ ही अपने प्रशंसकों का दिल भी जीत पाते हैं। लेकिन इतना जरूर तय है कि मैं चाहता हूँ कि वो उनकी सभी फिल्में थिएटर्स में आए, ना कि OTT पे, और उन्हें कोई बड़ी एक्शन मास मूवी करनी चाहिए। हालांकि विजय सेतुपति की एक फिल्म उनके साथ आ सकती है, उसके बारे में बातचीत चल रही है। वासुदेव कृष्णा मेनन उनको डायरेक्ट करने वाले, वो काफ़ी बड़ी एक एक्शन एंटरटेनिंग मूवी हो सकती है। तो देखते हैं कब उस फिल्म की डिटेलिंग आती है। इसके अलावा धूम 4 कब स्टार्ट होती है, हाउसफुल 5 है। तो बड़ी बड़ी फिल्में जरूर है, उनको बड़ी बड़ी फिल्में साइन करनी होगी और एक मास एंटरटेनिंग एक्शन मूवी करके सीधे थिएटर्स में आना होगा, तब सही है। तो मैं उनका एक ही अचीवमेंट है वो, ना केवल अमिताभ बच्चन को, उनके पिता को, बल्कि उनके प्रशंसकों को भी काफ़ी ज़्यादा एक खुशी देगा, मेरा ऐसा मानना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम।